हेलो गाइस, ये है मेरे पास पोको X6 5G स्मार्टफोन और स्मार्टफोन का बैक डिजाइन देखोगे दिखने के अंदर कितना मस्त लग रहा है। और इससे मस्त मस्त तो स्मार्टफोन में आपको फीचर ट्रिप्स एंड ट्रिप्स और हिडन फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पर्सनलाइजेशन साउंड वाले फीचर, कैमरा के अराउंड लाइटिंग इफेक्ट वाले फीचर, AI वाले फीचर, MEMC वाले फीचर और भी स्मार्टफोन वगैरह वगैरह बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आई थिंक आपको नहीं पता होंगे अगर आप पोको X6 5G स्मार्टफोन ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे, वीडियो को देखने बात तो मजा है। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं तो ये कोई फीचर नहीं देखने मिलता है, लेकिन ये आपको हिडन देखने मिलता है क्योंकि पोको वाले ने इसको हिडन करके रखा हुआ है ताकि इसे आप ऑफ ना कर पाओ। जी हां, मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो सिंपली आप जब भी अपने फोन को परचेज करो तो इसको आपको ऑफ करना पड़ेगा, रिसेंट पैनल के अंदर जाना है और एक कैंसिल बटन पे आपको प्रेस एंड होल्ड करना है और सेटिंग ओपन होगी और 3 डॉट पे जाना है और सेटिंग पे आप जैसे जाओगे तो ये रिकमेंडेशन वाला जो ऑप्शन है ना बाय डिफॉल्ट ऑफ ऑन होता है, तो इसको आपको ऑफ कर देना है ताकि कम से कम ऐड आ सके। ये हिडन करके रखा हुआ है ताकि इसको आप ऑफ ना कर पाओ, तो जब भी फोन को लो तो आप ऑफ कर लेना। अब नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं तो वो आपको देखने मिलता है एक AI का फीचर। जी हां, AI के मदद से लेके ये आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है जो भी कोई फोटो है, जैसे कि ये फोन मेरे पास फोटो है, इसका मेरे को बैकग्राउंड रिमूव करना है तो ये इस फोन के अंदर कर सकते हैं। सिंपली बैक जाना, यहां पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा और यहां पे मिलेगा कटआउट का ऑप्शन, कटआउट के ऑप्शन पे जाएंगे और जो भी जिस फोटो से भी आपको बैकग्राउंड यहां पे रिमूव करना है, मान लीजिए मुझे इस बैकग्राउंड से रिमूव करना है तो यहां पे देखते हैं बैकग्राउंड ये रिमूव कर देगा, देखते हैं टाइम लेगा और ये भाई साहब ये हो गया रिमूव, देखते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। सेव करना चाहे सेव कर सकते हैं या इनका खुद का भी बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं, है ना। काफी इंटरेस्टिंग बहुत सारे यहाँ पे बैकग्राउंड आपको देखने मिलते हैं क्योंकि ये AI की मदद लेके बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है जो कि काफी सही है। और एक और AI वाला फीचर देखने को मिल जाता है, किसी भी फोटो में से आप टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकते हो। जी हाँ, इस फोन के अंदर पॉसिबल है। नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूं, मान लीजिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी करना है इस फोटो के अंदर से, तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और रिकॉग्नाइज टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं सारे टेक्स्ट यहाँ पे आ चुके हैं और चाहे तो मैं यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकता हूँ, है ना, काफी इंटरेस्टिंग। अब नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो आपको देखने मिलता है आपकी मोबाइल की सेटिंग के अंदर। जैसे ही आप सेटिंग पे जाओगे और यहाँ पे मिलेगा एडिशनली सेटिंग का ऑप्शन और इस फोन के अंदर आपको हार्ट रेट वाला फीचर भी देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट आप लगाइए और यहाँ पे हार्ट रेट चेक करके आपको ये दे देगा, तो काफी इंटरेस्टिंग है। और नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं तो इस फोन के अंदर इन डिस्प्ले क्विक शॉर्टकट का फीचर भी देखने मिल जाता है। जी हाँ, जब भी अपने फोन में लोगे इन डिस्प्ले तो आप सेट कर करोगे ही, जैसे कि मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, तो इसके अंदर जाओगे ना तो यहाँ पे नीचे की ओर आपको देखने मिलेगा शॉर्टकट्स का ऑप्शन। जी हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको मैंने ऑन करके रखा हुआ है। वर्क कैसे करता है, जैसे ही मैं इसको लॉक स्क्रीन पे जाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं इन डिस्प्ले प्रेस एंड होल्ड करता हूँ, होल्ड करने का छोड़ना नहीं है, उसके बाद ऑटोमेटिक शॉर्टकट आ जाएगा, देखते हैं कुछ इस टाइप में। और यहाँ पे चाहे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको क्यू करनी है तो वो चीज यहाँ पे आप डायरेक्टली उस चीज को आप लॉन्च कर सकते हो, ये काफी सही चीज है। साथ में इसके फिंगरप्रिंट के एनिमेशन को आप चेंज भी कर सकते हो। भाई साहब बोर हो रहे हो, चेंज करो भाई साहब, ये रहे भाई साहब नए नए आपको एनिमेशन देखने मिलते हैं, जो भी आपको रखना है रख सकते हो। और नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं तो वो भी आपको सेटिंग में देखने मिलेगा, इसके लिए मैं जाना होगा बैक और यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन और यहाँ पे मिलेगा साउंड असिस्टेंट का फीचर। जी हाँ, ये फीचर काफी कमाल का है, जब भी इसको लोगे तो यहाँ पे ऑन कर देना और इसके अंदर से कि मैं कोई भी म्यूजिक प्ले करता हूँ, जैसे कि म्यूजिक प्ले किया, वॉल्यूम अप पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक असिस्ट बटन देखने को मिल जाएगा, ऑन करने के बाद ही आता है। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये म्यूजिक ऐप का वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है और कहीं पर भी साउंड पर फर्क नहीं पड़ता, तो ये आप हर एक सेपरेट ऐप का कर सकते हो। यूट्यूब चलाओगे तो यूट्यूब ऐप का ऑटोमेटिक वहाँ पे दिखाएगा, तो ये चाहे तो आप कर सकते हो। और इस फोन के अंदर आपको पता है हैप्टिक का मोटर लगा हुआ है, तो इसकी इंटेंसिटी को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जो भी आपको टाइपिंग करते हैं ना आप फील आपको किस टाइप में चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हो और कम करना चाहे तो कम कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो आपको देखने मिलता है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर, और कंट्रोल सेंटर के स्टाइल को आप चेंज कर ही सकते हो, ओल्ड वर्जन में करना चाहते हो तो कर सकते हो और यहाँ पे नए वर्जन में करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। बट एक चीज़ आप कर सकते हो, क्या वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो यार, कोई भी कंजूस नहीं होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो आपको देखने मिलता है होम स्क्रीन के अंदर, जैसे ही आप होम स्क्रीन के अंदर जाओगे नीचे की ओर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा अरेंज आइटम रिसेंट का ऑप्शन। जी हाँ, इसका स्टाइल आपको चेंज करना है कुछ इस टाइप में तो इस टाइप में हो जाएगा, अगर वर्टिकली करना है तो वर्टिकली कुछ इस टाइप में हो जाएगा। ये तो कुछ बोरिंग फीचर है, अब आपको इंटरेस्टिंग फीचर आपको दिखाता हूं। इंटरेस्टिंग फीचर ये है ना, इस फोन के अंदर यहाँ पे साइड बार 2.0 देखने मिल जाता है। इसके लिए जाना होगा मोबाइल की सेटिंग के अंदर, एडिशनली सेटिंग में आप जाओगे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे यहाँ पे मिलेगा फ्लोटिंग विंडो और यहाँ पे मिलेगा साइड बार वाला फीचर, इसको आप ऑन करोगे तो यहाँ पे साइड बार एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से स्लाइड करोगे तो किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो में आप ओपन कर सकते हो। और एक कमाल का चीज आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या, इसको साइड में कॉर्नर में तो आप रख ही सकते हो और यहाँ से आप इसको चाहे तो क्लोज करना है तो कर ही सकते हो, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि इस शॉर्टकट को आप ड्रैग भी कर सकते हो। यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है, प्रेस एंड होल्ड करोगे
तो यहाँ पे देखते हैं इसको, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट कहीं पे भी ड्रैग करना चाहते हैं तो कर सकता हूँ। लेकिन एक कमाल का फीचर आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे इसके लिए जाना होगा आपको एजबिलिटी के अंदर, एजबिलिटी मेनू के अंदर, और यहाँ पे इसको अनेबल करोगे तो यहाँ पे एक फोर्थ बटन एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे काफी सारी सेटिंग को यहाँ पे आप क्विक एक्सेस कर सकते हो, तो ये चीज आपको देखने मिलती है। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। और नेक्स्ट फीचर की बात को, तो इस फीचर के बारे में आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा, लेकिन कई लोग पूछते हैं ना फोन को लेने से पहले इस फोन में है कि नहीं, तो वो आपको दिखाता हूँ। वो देखने मिलेगा एप्स के अंदर, ऐप लॉक और ड्यूल ऐप का फीचर देखने मिल जाता है, तो कर सकते हो विदाउट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। और नेक्स्ट फीचर की बात को, तो वो आपको देखने मिलता है कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर, और नीचे को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नीचे स्क्रॉल करने पे नहीं मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा यार, थोड़ा सा भुलक्कड़ हो ना, तो इसीलिए हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा कास्ट का ऑप्शन। जी अपने फोन को टीवी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जी अपने फोन के जो भी फीचर टीवी पे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और कोई भी मूवी प्ले करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ये आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट चीज की मैं बात करूं तो, और नेक्स्ट फीचर की बात को, तो इस फोन के अंदर आपको पार्सल स्क्रीनशॉट का फीचर भी देखने मिल जाता है। जहां थ्री फिंगर से तो आप कर ही सकते हो, जो कि सभी फोन में होता है, लेकिन थ्री फिंगर से यहां पे प्रेस एंड होल्ड करोगे ना तो यहां पे कस्टम यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कस्टम शेप के अंदर जो भी आपको शेप बनाना है यहां पे ले सकते हो, और खुद का भी यहां पे क्रिएट कर सकते हो, तो पार्सल स्क्रीनशॉट का फीचर देखने मिल जाता है। और नेक्स्ट चीज की बात को, तो वो आपको कैमरा में देखने मिल जाता है। कैमरा के अंदर आप जैसे ही जाओगे यहां पे क्लिक करोगे और यहां पे मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे यहां पे कस्टमाइजेशन, जी हां यहां पे देखते हैं जो भी फोटो क्लिक होती है उसकी साउंड को चेंज करना है तो चेंज कर सकती हो, और यहां पे देखते हैं कैमरा मोड के अंदर मोर पैनल शॉर्टकट ऐड करना है, ऐसे नीचे की ओर स्वाइप करोगे सारे फीचर मिलेंगे, जैसे कि आपको दिखाता हूं। यहां पे देखते हैं, अब यहां पे मैंने अनेबल किया और यहां देखते हैं सारे कुछ फीचर यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। और नेक्स्ट फीचर की बात को, तो इस फोन के अंदर जो गेम ड्रॉप है वो क्या एडवांस लेवल वाला मिलता है या नकली वाला देखने को मिलता है, और यहां पे वॉइस चेंजर का सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता वो भी आपको चेक कराते हैं। यहां पे गेम ड्रॉप में जाता हूं तो यहां पे देखते हैं एडवांस लेवल का आपको गेम ड्रॉप देखने मिल जाता है। यहां पे देखते हैं नीचे की ओर काफी सारे एडवांस सेटिंग देखने को मिलती है, ये किसी किसी फोन में होती है, इस फोन के अंदर भी देखने मिल जाती है, और यहां पे सारी जीपीयू की सेटिंग यहां पे आप चाहे तो करना चाहते तो कर सकते हो। और यहां पे वॉइस चेंजर का सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता वो भी देख लेते हैं। यहां पे देखते स्लाइड करता हूं तो यहां पे वॉइस चेंजर का फीचर है, और ये फीचर काफी कमाल का है, दिखाता हूं आपको। तो तेरे भाई ने ले लिया है पोको X6 5G स्मार्टफोन, तो इसी बात पे जो भी वीडियो को देख रहे हो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और भाई साहब यही करते रहो भाई, अब देखना। तो ये देखते हैं कुछ इस प्रकार का वॉइस चेंजर का फीचर देखने को मिलता है, और गेम खेलोगे ना तो अगले वाले को भी यही आवाज सुनाई देगी, जैसे कि बीजीएमआई में खेलते हैं ना, तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। और नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं तो इस फोन के अंदर आपको हिडन ऐप वाला फीचर देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको वो देखने को मिलता है ऐप ड्रॉवर के अंदर। यहाँ पे थ्री बार स्लाइड करोगे तो यहाँ पे हाइड ऐप आ जाएगा, जो भी एप्लीकेशन को आपको हाइड करना है आप कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज की मैं बात करूं तो ये कुछ आपको स्पेशल फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप हिडन फीचर भी बोल सकते हो, और इसका यूज करके बोलोगे आप मजे ही आ गया यार। सिंपली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है एक्टिविटी लॉन्चर, डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर ओपन कर लीजिए, जो कि हिडन फीचर फाइंड करने के काम आती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्च करना है यहाँ पे कस्टम, और ये फीचर काफी इंटरेस्टिंग है। कस्टम हम सर्च करेंगे और यहाँ पे ई सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कस्टम इफेक्ट वाला फीचर, लेकिन इस पर आप क्लिक करोगे तो ये ओपन नहीं होगा। तो इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली अपने फोन के साथ ब्लूटूथ वाला कोई भी ईयरफोन कनेक्ट कर लीजिए, या वायर वाला ईयरफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैंने अपना नेकबैंड कनेक्ट कर लिया, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रख रखा था, देख सकते हैं पूरी तैयारी के साथ आए थे भाई साहब। अब यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद इसको मैं ओपन करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे सारी सेटिंग आप कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर्सनलाइज्ड साउंड क्रिएट कर सकते हो, जो कि ईयरफोन में आपको सुनाई देगा, जो भी आपको पसंद आए ए बी, मैं जल्दी फटाफट कर रहा हूँ। और यहाँ पे पर्सनलाइज्ड साउंड क्रिएट कर सकते हो, ये तो आप कर ही सकते हो, और यहाँ पे सुन सकते हो, ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्टमेंट के अंदर जाके इसको ऑन करके एड कस्टम प्रीसेट यहाँ पे लगा सकते हो, जहाँ पे देखते हैं कुछ इस टाइप में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम करेंगे यस नो भाई सब करते रहो भाई, जो कि ईयरफोन में आपको सुनाई देगा। तो यहाँ पे ये चीज भी आप प्रीसेट भी क्रिएट कर सकते हो। ये तो ये कुछ हिडन फीचर देखने मिल जाते हैं, और बार बार एक्टिविटी लॉन्चर में जाने की जरूरत ना पड़े, तो सिंपली इसका आपको क्या करना है, एक्टिविटी लॉन्चर में प्रेस एंड होल्ड करके सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे अदर परमिशन में जाके होम स्क्रीनशॉट को ऑलवेज अलो कर देना, उसके बाद इसका शॉर्टकट क्रिएट करना, बार बार एक्टिविटी लॉन्चर में जाने का झंझट ही खत्म भाई, उसके बाद इसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली, और यहीं से इसको ओपन कर सकते हो। और नेक्स्ट फीचर की बात को, तो वो आपको देखने मिलता है MEMC वाले फीचर, ये फीचर भी देखने मिल जाते हैं, लेकिन हिडन है भाई साहब, इसको ऑन कर सकते हैं, और जो कि स्मूथनेस थोड़ी सी बढ़ा देता है, इसका शॉर्टकट क्रिएट कर लीजिएगा यहाँ से। और नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो आपको देखने मिलता है AI इमेज इन्हेंसमेंट, ठीक है, यहाँ पे देखने मिलेगा, देखते हैं इस पे इमेज की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हो, ये है, फिर इसके ऑन करने के बाद कुछ इस टाइप में देखने मिलेगा, इसका भी शॉर्टकट क्रिएट कर लीजिए। हिडन फीचर और भी दिखाता हूँ आपको, AI HDR इन्हेंसमेंट का भी ऑप्शन देखने मिलता है, देख सकते हैं, तो ये भी आप ऑन कर सकते हैं, इसका भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो इसके लिए भी यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा फ्रंट
यहाँ पे सर्च करेंगे फ्रंट और यहाँ पे सर्च करना है कैमरा और फ्रंट कैमरा इफेक्ट देखने मिल जाएंगे। ये वर्क नहीं करता, बस शोकेस के लिए किसी दोस्त को दिखाना ना दिखा सकते हैं। और डार्क मोड में आपको दिखाता हूँ, शायद तक पूरा वाइट वाइट हो गया हो तो उतना अच्छा नहीं लग रहा हो, तो देखते हैं कुछ इस टाइप में ये चीज़ देखने को मिलती है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने मिलता है फ्रंट कैमरा असिस्टेंट का भी फीचर देखने को मिल जाता है। ये देखते हैं कुछ इस टाइप में ये फीचर देखने को मिल जाता है, इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हालांकि ये भी वर्क नहीं करता, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, ये भी हिडन है इसके अंदर। और नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो ये फीचर तो मैं आपको बताना भूल ही गया था, लेकिन भूल कैसे गया था यार, ये नहीं समझ आ रहा है। तो ये फीचर आपको देखने मिलता है गैलरी के अंदर। गैलरी के अंदर जाओगे, थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मिलेगा आर्ट का ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पे देखते काफी सारे इफेक्ट देखने मिलेंगे और इसको क्लिक करके जिस पे भी आपको इफेक्ट अप्लाई करना है वो आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि आपको करना है तो कर सकते हैं। कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है भाई साहब, कुछ काफी सारे इफेक्ट हैं तो इन्हें यूज कर सकते हो। हम बात करते हैं अपने मोस्ट अवेटेड फीचर की, जिसके लिए आप रिक्वेस्ट हो। जी हाँ, इस फोन के अंदर आपको पता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिल जाता है। जी हाँ, इसमें जाओगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में सेटिंग में जाके और यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाओगे तो काफी सारे यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने मिल जाएंगे। जो भी आपको स्टाइल पसंद आता है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक MIUI 14 वाला क्रिएट किया हुआ है कुछ इस टाइप में, और यहाँ पे एक और क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे खुद का इमेज लगा सकते हो। जैसे कि ये मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, इसका मैं एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्रिएट करूंगा तो कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर रिंग लाइट के साथ इसको अनेबल करूंगा ना तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उसको अनेबल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी। प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ पे आपको सर्च करना है रिंग रिंग वाली एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको सर्च करनी है रिंग रिंग, यहाँ पे सर्च कीजिए और ये वाली एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ सेटिंग ही आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे रिंग लाइट एनेबल हो जाएगा। उसके साथ प्रीव्यू भी दिखाऊंगा, पहले आप देखते हैं इनेबल कर लोगे, इसको ओके करोगे तो यहाँ पे एक रिंग लाइट आ जाएगी। इसके कलर को यहाँ पे येलो कर लीजिएगा, येलो और ब्लैक कॉम्बिनेशन काफी सही रहता है यार, देख सकते हैं। देखते हैं इस प्रकार से करोगे और इसको कैमरा के अराउंड आपको खुद फिट करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आपको फिट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा या छोटा कर लीजिएगा, वो आप कर लीजिएगा। थोड़ा मैं सेट करके आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं रिंग लाइट करने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्लस रिंग लाइट दिखने के अंदर कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन लास्ट में आपको यही बोलना चाहूंगा, अगर रिंग लाइट को जब आप अनेबल करो, अगर आपके फोन में हैंग या लैग वाली प्रॉब्लम आ जाए तो इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना। कई कई बार मैंने देखा है ठीक तरीके से वर्क नहीं करता, अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो इसको अनइंस्टॉल आप कर देना। तो यही कुछ आपको देखने मिलते हैं पोको X6 5G के कुछ ट्रिप्स एंड टिप्स और हिडन फीचर। आई होप आज वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।